हेलो पेरेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नूपुर अग्रवाल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्पेशल नीड के बच्चों को आप किस तरीके से कपड़े पहनना, उतारना, पानी पिलाना, कॉम्बिंग करना, ब्रशिंग करना आप घर में बैठ के बिना किसी परेशानी के सिखा सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को उसी तरीके से डील करते हैं जैसे नॉर्मली हम बच्चों को डील करते हैं, लेकिन इन बच्चों को डील करने के लिए कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो अंत तक देखना, इसमें आपको पता लगेगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप इसको प्लीज़ मिस मत करना क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स मैंने बता रखी हैं और ये डेली यूज़ की चीज़ डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। हाँ, तो हम सबसे पहले कॉम्बिंग से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सबसे पहले बच्चे को मिरर के सामने खड़ा किया है। मिरर के सामने खड़ा करने में सबसे पहले बच्चा ये देख पाएगा कि मेरे हैंड मूवमेंट्स कहाँ पे जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले सेम डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि हम बच्चे को उसके अपने हैंड से कराते हुए मिरर के सामने देख के सेम डायरेक्शन में वो पहले कॉम्बिंग करेगा, फिर धीरे 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 ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये देखो, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में करना और वो भी मिरर में देखते हुए। तो इस तरीके से बच्चे को हमेशा प्रैक्टिस कराते हैं। तो सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इन चार डायरेक्शंस में हम कॉम्बिंग सिखाते हैं। अब आप देख सकते हो कि हम ड्रिंकिंग पानी पिलाना है बच्चे को या बॉटल से बॉटल को ओपन करके उसको ग्लास में डाल के पानी को, फिर बच्चा किस तरीके से दोनों हैंड्स को होल्ड करके ग्लास को पानी पीता है। तो इस तरीके से उसने बॉटल खोल के ग्लास में पानी डाल दिया था और फिर अपने दोनों हाथों को यूज़ करते हुए थेरेपिस्ट की कमांड से वो धीरे धीरे पानी पी रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा लोअर लिप खोल के पानी पीते हैं तो पानी स्पिल हो जाता है, तो हल्का सा चिन को प्रेस करके बच्चे को सिखाना है।